दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हल्दी के विषय में बताऊंगा, हल्दी कैसे लगाएंगे और उसके लिए मिट्टी कैसी होना चाहिए और उसको कब कब लगाना चाहिए, ये सब मैं आपको आज जानकारी दूंगा जो मुझे मालूम है। ये है हल्दी और आज हम इसे इसमें लगाएंगे ग्रो बैग में, और एक मेरे पास कंटेनर है उसमें लगाएंगे। ये हल्दी को इस तरह से लगाते हैं, देखिए ये जो निकल गए हैं इसके, ये पीके निकल गए हैं जो, इसको ऐसा ये इसको लगाएंगे, जिसमें नहीं निकले हैं वो नहीं लगाएंगे। जैसे कुछ एक में नहीं निकले हैं, ऐसे नहीं निकले हैं, ये मेरे पास में रखे थे काफ़ी दिनों से, तो लगभग 2 महीने से रखी थी ये हल्दी के गांठ, तो ये अभी अभी मैं देखा तो इनके ये पीके निकल गए थे, तो इनको मैं अभी लगा दूंगा। ये इस तरह का ग्रो बैग लिया है मैंने, ये ग्रो बैग में ये भर दिया है, ये देखिए लगभग 18 इंच है, ये देखिए 18 इंच का ग्रो बैग है, और ये ग्रो बैग है, और एक ये कंटेनर है जो सब्जी के कैरेट होता है, ये कैरेट है, देखिए ये कैरेट है, ऐसे कैरेट में मैंने इसको भर लिया है। ये साइड में ऐसे पट्टी लगा दिया है, ये थोड़ी कि मिट्टी इसकी बाहर न जाए करके ऐसा इसको लगा दिया है। अब हम इसको इसमें हमने मिट्टी भर दिए हैं, इसमें सॉइल मीडिया क्या रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें 7 भाग है मिट्टी, और 1 भाग हमने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है, और 1 भाग हमने रेत मिलाया है, और इसमें नीम खली मिलाई है, 1/4 हमने नीम खली मिलाई है, और कैल्शियम के लिए हमने जो चौक के टुकड़े होते हैं, चौक जो लिखने वाली चौक होती है, उसको हमने वो पाउडर बना करके मिलाया है। इस तरह से हमने मिट्टी ये बनाई है। अब हम इसको लगा देंगे, ये हल्दी का देखो जैसी गठान है, इसको हम एक यहाँ लगा देंगे, दूर दूर लगाएंगे इनको, पास पास नहीं लगाना है, क्योंकि इनकी गांठें बनती हैं अंदर, तो देखिए इतना दूर लगा देंगे हम इसमें, इसमें 3 या 4 ही लगाएंगे, क्योंकि जब इसको जब बनेंगी तो इनको फैलने के लिए जगह भी होना, इस तरह से ये 4 गांठ लगा देंगे हम, एक और की जगह बन जाती है, 5 लगा देते हैं। इसको ज़्यादा नीचे नहीं ले जाना है, ज़्यादा बहुत नीचे नहीं कड़ाना, थोड़ा सा ऐसा हल्का सा इसको ऐसा निकाल के ऐसा दबा देना है, ऐसे थोड़ी सी मिट्टी हटा करके और ऐसे ही दबाना है, हल्की हल्की मिट्टी इसमें ऐसा, ये इसको भी ऐसा हल्की हल्की ही दबाना है, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है इनको, देखिए इस टाइप से ऐसा, और ऊपर से मल्चिंग कर देना है कुछ ऐसे, या तो खड्डे के टुकड़े अपन डाल सकते हैं, या और भी कुछ ऐसे धान की भूसी भी डाल सकते हैं, या फिर कोकोपीट भी डाल सकते हैं, तो ये धूप में जलेंगे नहीं है। ऐसा हमने एक इसमें 5-5 लगा दिया है, देखिए दोनों में हमने लगा दिया है। ये मेरे पास राइस हस्क है, इससे मैं इसमें मल्चिंग कर दूंगा, इसके ऊपर डाल देंगे ऐसा, इस तरह से ऐसा डाल देंगे, इस
इसमें, ऐसे पतला पतला इसमें बिछा देंगे ऐसा सभी तरफ। इसमें भी डाल देंगे ऐसा, जहाँ जहाँ हमने लगाया है वहाँ वहाँ डालना है पतली पतली, ताकि इसके अंकुर निकलते समय इसमें धूप का प्रभाव ना पड़े, सूखे ना, इसलिए मल्चिंग की जाती है। अब हम पानी इसमें दे देंगे ऐसा, थोड़ा धीरे धीरे पानी देंगे, थोड़ा पतली धार से दें, ताकि ये जो भूसी है ऊपर की ये वहाँ से हटे ना, ऊपर उसमें जमी रहे। ऐसे पतली धार से पानी दें, या स्प्रे से भी दे सकते हैं, लेकिन ये बड़ा पॉट है इसलिए स्प्रे से देंगे तो बहुत देर लगेगी, इसलिए इस तरह से पानी आप दे सकते हैं ऐसा। ज़्यादा पानी नहीं देंगे अभी हम इसमें, इतने बड़े पॉट में लगभग 2 लीटर पानी ही काफ़ी होगा, उतनी दें जितने कि ये इसकी जो गांठें जो हैं भीग जाएं। इस तरह से इसमें भी दे देंगे मैंने इन पॉट्स को ऐसी जगह रखा है जहाँ इसको आधे दिन की धूप मिलेगी, इनके लिए आधे दिन की धूप ही काफ़ी होती है, 3-4 घंटे की धूप मिल जाए उतना ही बहुत होता है। इसके जब जैसे भी ग्रोथ आती है मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट्स ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।